हेलो दोस्तों, जय हिंद। आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय जीएस क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग कल पढ़ रहे थे हिंदी भाषा के विकास के बारे में। हम पढ़े थे वर्ण क्या होता है, अक्षर किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। वर्ण तो हमें भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं, और अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और शब्दों के सार्थक समूह को हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे कि हिंदी की उपभाषाएं कितनी हैं, हिंदी की उपबोलियां कितनी हैं। आइए हम आपको श्लोक सुनाते हैं पहले कि हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहां कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। जोश के साथ हम लोग आज का इस सेशन प्रारंभ करेंगे। इस सेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि बोलियां क्या होती, बोली किसे कहते हैं, उपभाषा किसे कहते हैं, भारत में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं, भारत में कितनी उपभाषाएं बोली जाती हैं, भारत में कितनी प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। तो भारत में कुल 22 प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, जिसे हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 ए के तहत हमने बताया था उस दिन कि 14 सितंबर 1949 को जो हिंदी हमारी बनी राज्यभाषा के रूप में, हम लोग भारतीय संविधान में से इंक्लूड किए। बोली किसे कहते हैं, सबसे पहले हम जानेंगे बोली है क्या। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी किसी विशेष क्षेत्र में एक अलग प्रकार से बोलियाँ बोली जाती हैं, तो बोली वह होती है जो एक छोटे क्षेत्र में, जो एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा होती है। किसी छोटे क्षेत्र में, छोटे कस्बे में जो बोली जाने वाली भाषा होती है वही बोली कहलाती है। किसी छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। बोली कुल भारत में 17 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। उपभाषा किसे कहते हैं, अगर किसी बोली में साहित्य की जब रचना होने लगती है, यदि किसी बोली में साहित्य की जब रचना होने लगती है और जब उस रचना का प्रचार प्रसार होने लगता है तो वह उपभाषा कहलाती है। क्या कहलाती है, उपभाषा कहलाती है। अगर किसी बोली में साहित्य की रचना होने लगती है और उस रचना का प्रचार प्रसार होने लगता है या विस्तार होने लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उपभाषा कहते हैं। लिपि क्या होती है, किसी एक छोटे विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम बोली कहते हैं। उपभाषा क्या होती है, उपभाषा वह होती है जब किसी भी बोली का साहित्य में रचना होने लगती है और उस रचना का क्या होने लगता है, विस्तार होने लगता है, उसी बोली को हम उपभाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, उपभाषा कहते हैं। और साहित्यकार जब उस उपभाषा को अपने साहित्य में, जब साहित्यकार जो होता है इस उपभाषा को अपने साहित्य के द्वारा परनिष्ठित या सर्वमान्य रूप प्रदान कर देता है तो यही उपभाषा भाषा कहलाती है। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं हो सकती हैं तथा एक उपभाषा के अंतर्गत कई प्रकार की बोलियां हो सकती है। एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं तथा एक उपभाषा के अंतर कई प्रकार की बोलियां हो सकती हैं। तो भारत में कुल 17 प्रकार की बोलियां और 5 उपभाषाओं के बारे में जिक्र किया गया है। सर्वप्रथम अंग्रेज प्रशासनिक जो अधिकारी था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1889 में, यहाँ पर लिखा गया जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1889 में मॉडर्न वर्नाक्युलर ऑफ हिंदुस्तान में हिंदी का उपभाषाओं व बोलियों में वर्गीकरण किया। वर्गीकरण जब प्रस्तुत किया बाद में ग्रियर्सन ने 1894 ईस्वी में भारत भाषाई सर्वेक्षण आरंभ कर दिया।
जो 1927 में संपन्न हुआ उनके द्वारा संपादित ग्रंथ का नाम था ये लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इसमें उन्होंने क्षेत्र की कई बोलियों कई उपभाषाओं का जिक्र किया। हमने बताया कि इसमें कुल 5 प्रकार की उपभाषाओं का जिक्र किया गया है और 17 प्रकार की बोलियों का जिक्र किया गया है। ये उपभाषा कौन कौन सी है आइए हम जानते हैं। 5 उपभाषाओं के नाम, पहला है राजस्थानी, दूसरा है पश्चिमी हिंदी, तीसरा है पूर्वी हिंदी, चौथा है बिहारी और पांचवा है पहाड़ी। ये 5 प्रकार की उपभाषाएं हैं और इस उपभाषा के अंदर कितनी प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। राजस्थानी के अंदर 4 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। कौन कौन सी बोलियां हैं? पहला है मारवाड़ी, दूसरा है जयपुरी, तीसरा है मेवाती, चौथा है मालवी। तो राजस्थानी के अंतर्गत 4 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। पहला मारवाड़ी, दूसरा जयपुरी, तीसरा मेवाती, चौथा है मालवी। और ये जो चारों बोलियां हैं ये राजस्थान में बोली जाती हैं। कहां पर बोली जाती हैं? राजस्थान। कुछ तो राजस्थानी के अंतर्गत मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी है, ये राजस्थान में बोली जाने वाली भाषा है। जबकि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी, खड़ी बोली, बांगुरी और हरियाणा, ब्रजभाषा, बुंदेली और कन्नौजी, ये भाषाएं जो हैं मुख्यतः कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, यूपी में बोली जाती हैं। जबकि पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो पूर्वी हिंदी उपभाषा है उसके अंतर्गत जो बोलियाँ बोली जाती हैं वो अवधी हैं, बघेली हैं और छत्तीसगढ़ी है। यह एमपी में, छत्तीसगढ़ में और यूपी में बोली जाती हैं। जबकि बिहारी जो उपभाषा है इसके अंतर्गत 3 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। पहला भोजपुरी, दूसरी मगही, तीसरा मैथिली। यह सिर्फ बिहार और यूपी में बोली जाने वाली क्या हैं? बोलियां हैं। जबकि पहाड़ी के अंतर्गत कुमाऊनी और गढ़वाली बोली जाती है, यह उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बोली जाती हैं। तो भारत में 5 प्रकार की उपभाषाएं, 22 भाषाएं तथा 17 प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं, जिसे हम लोगों ने देखा 5 प्रकार की उपभाषा, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और क्या है? पहाड़ी है। इसके अंदर हम लोग बोलियां देखा, क्षेत्र देखा, किस क्षेत्र में कौन कौन सी बोली। आइए हम 5 मिनट हम लोग रिविजन करते हैं। बोली क्या है? एक विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम लोग बोली कहते हैं। और जब उसी बोली को कोई रचनाकार, कोई साहित्यकार बोलता अपने रचना में अंकित करता है और उस रचना का जब विस्तृत होने लगता है, प्रचार प्रसार होने लगता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उपभाषा कहते हैं। और जब कोई साहित्यकार अपने साहित्य में उसको अंकित कर देता है तो वही उपभाषा भाषा कहलाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद लगे तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।